डॉक्टर दिवस के मौके पर कोरोना महामारी में भोज चिकित्सालय धार के फ्रंटलाइन कोरोना डॉक्टर्स द्वारा दिन रात कोरोना मरीजों की बेहतर सेवा करने पर अजबा वेलफेयर फाउंडेशन धार के द्वारा फके मिल्लत अवार्ड से डॉक्टर अनुसुईया गौरी, डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, डॉक्टर संजय जोशी, डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर गिरिराज भुर्रा, डॉक्टर नीरज ध्रुवे, डॉक्टर कमलेश अहिरवार, डॉक्टर एम के बर्मन, डॉक्टर शोएब शेख एवं डॉक्टर यामिनी दवे को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के खालिद निसार द्वारा कोरोना काल के दौरान फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी से अवगत करवाया। इस मौके पर डॉक्टर अनुसुईया गौली द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें सम्मान ही सम्मान मिलते जा रहा है, इस कारण हमारी जिम्मेदारी और अधिक हो गई है। टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक जागरूकता के लिए प्रत्येक समाज द्वारा कार्य किया जाए। हमें कोरोना को खत्म करना है, कोरोना मुक्त धार एवं भारत को बनाना है एवं लगन से सेवा करना है। इस मौके पर संस्था के सरपरस्त जनाब मुफ्ती सैयद सज्जाद साहब, मुजीर रहमान खान, तारिक निसार, अबुल हसन कुरैशी, अब्दुल्ला खान, नौशाद पठान, रियाज खान, हुसैन मोहम्मद, फातेह खालिद एवं सैयद महफूज उपस्थित थे। डॉक्टर संजय जोशी द्वारा भोज चिकित्सालय धार की ओर से अजबा वेलफेयर फाउंडेशन धार द्वारा फके मिल्लत अवार्ड से सम्मानित करने पर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री सैयद रियाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार श्री खालिद निसार द्वारा व्यक्त किया गया। अंत में श्री सैयद रियाज द्वारा गीत की कुछ पंक्तियां, तुम विजेता हो, जीत तुम्हारा मुकद्दर है, उठो लड़ो और जीतो, जीत तुम्हारी ही है और इस बार भी जीतेंगे, इंशाअल्लाह के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। थार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। सम्मान ही सम्मान मिलता जा रहा है, उसमें सभी के अपने अपने भावनाएं जुड़ी हुई है, अपने अपने एक डॉक्टर के प्रति सम्मान जुड़ा है और आप लोगों ने तो हमारा एक इतना सम्मान ही बना दिया है कि ऐसे लगता है कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल भी कंधे से कंधा मिला के यूनाइट होके एक ही फोकस्ड जिंदगी जी रहे हैं कि हमें कोरोना से किस तरह से लड़ाई लड़ना है और किस तरह से हमें इसके बाहर उसको हमें ऊपर ला के हमारे मरीजों की सेवा करके और हमें बिल्कुल इससे निजात पा लेना है। अभी कोरोना जो हमारा फर्स्ट लहर आई थी उसमें हमें पूरा मिनिस्ट्री मैनेजमेंट में हमें समझ में आ गई कि हमें किस तरह से हमारी तैयारी होना चाहिए। दूसरे लहर में हम समझ गए कि हमारी तैयारी में क्या हमें इतना पुख्ता हमारी सेवाएं हम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसकी ऊपर वाली कुछ मेहरबानी होती है उसको कोई नहीं डाल सकता है और हमारी सेवाएँ निरंतर प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम लोगों की जिंदगी बचा लें। हमारे डॉक्टर्स रात दिन लगे रहे हैं, कई बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, थोड़ा कहीं ना कहीं भावना उनकी टकराव हो जाती है, उन भावनाओं को हमें समझना पड़ता है और उसका शिकार कहीं ना कहीं थोड़े से डॉक्टरों को होना भी पड़ता है, क्योंकि किसी भी इंसान के जो आदमी होता है, परिवार कोई सदस्य होता है तो तकलीफ सभी को होती है, उनकी तकलीफें हम भी समझ रहे थे, लेकिन कभी कभी समस्या ऐसी आ जाती है कि हम डॉक्टर्स भी भगवान तो है नहीं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं और उस वक्त हमारे डॉक्टर्स की जो सेवा करने का जो लिमिटेशन रहती वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जिस जज्बे से हमारे डॉक्टर्स ने काम करा और आपने एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो आपने सम्मान किया है, जो आज पूरा दिन में देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स के प्रति जो सम्मान यहाँ की पब्लिक, यहाँ के सभी फाउंडेशन के लोग, कुछ समाजसेवी लोग जो हमारे कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से अगर आप लोगों का हमारा एक कोऑर्डिनेशन रहा, एक हमारा अच्छे संबंध बने रहे, हमारा एक ऐसा सम्मानपूर्वक अवेलेबल रिलेशनशिप बना रहा, तो शायद हमारा डॉक्टर्स की जो फ्रेटर्टी है, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की फ्रेटर्टी है, वो इतना ही जज्बे से फिर से पूरा काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तीसरी लहर जो आ रही है हमारी, उस तीसरी लहर में हम पूरे अपने आप को एक योद्धा की तरह, एक सिपाही की तरह, एक जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं उस सिपाही की तरह जोड़ देंगे और चाहते हैं कि पूरा धार उससे निजात पा लें, बहुत जल्दी हम कोरोना से मुक्त हो जाएं, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। और हमारे सभी डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि हम वैक्सीनेशन अगर 100% हो जाता है तो शायद हमें तीसरी लहर बहुत कम फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा एक ही सलाह मशवरा रहेगा कि जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं उनको टीकाकरण जरूर करवाएं। हमारा जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो पार्ट पढ़ा रही है गवर्नमेंट की, हमें डिस्टेंस बनाए रखना है, मास्क नहीं हटाना है, प्रोग्राम्स में हमें ज़्यादा भीड़ करना नहीं है, उसको भी हमें बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हमें वैक्सीनेशन के साथ में अगर हमें प्रोटेक्शन गवर्नमेंट चाह रही है कि
हमें किस तरह से अपने देश को कोरोना फ्री करना है, तो उसके लिए हमें हमारे भी कुछ उसूल जो बनाए हैं उसमें हमें चलना पड़ेगी, पब्लिक को भी, समाज को भी, हर व्यक्ति को भी, और तभी हम डॉक्टर शायद इस लड़ाई को जीतने में सफलता हासिल करेंगे। पूनम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे डॉक्टर्स का इतना सम्मान किया, आपने हमें बहुत ऊँचे होने में पहुँचा दिया, और हमें एक वेरियस रूप में आज आप लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, पूरे हमारे जिला शिक्षा के डॉक्टर्स को, सभी हमारे क्रेडिट भी को, उसके लिए पूरा आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। Subscribe now to most exciting channel ever.